चलो 2 लाइन फिर से बोलिए। श्याम को याद न आए, श्याम को याद न आए, घन श्याम को याद न आए, श्याम को याद न आए, घन श्याम को याद, श्याम को याद न आए, घन श्याम को याद न आए, श्याम को आए घन श्याम, हमें हमें वृंदावन जाना जी, हमें वृंदावन जाना जी, गुलाबा आए जाना आए, हमें वृंदावन जाना जी, गुलाबा हमें वृंदावन जाना जी, गुलाबा आए या ना आए, कौन कौन जाना चाहेगा, सब जाएंगे और जाकर वहां खो भी जाएंगे, आएंगे और खो जाएंगे। श्याम को याद न आए, घन श्याम को याद न आए, घन श्याम को आए, श्याम को याद न आए, घन श्याम को याद न आए, हमें वृंदावन जाना जी, गुलाबा आए या ना आए, हमें वृंदावन जाना जी, गुलाबा आए आए, हमें वृंदावन जाना जी, गुलाबा आए या ना आए, अब बोलो ऐसे जाओगे उठा दो हाथ, अब प्रेम से जाओ, अगर सच्चा है भक्तो जाओ बिना बुलाए, अगर सच्चा है भक्तो, प्रेम अगर सच्चा है भक्तो जाओ बिना बुलाए, अपने तू शरमाए भक्तो, अपने तू शरमाए भक्तो, देख के वो शरमाए, हमें तो हमें तो तो निभाना है, हमें तो रिश्ता निभाना है, गुलाबा आए या ना आए, जिसका आए बुलावा वो है किस्मत वाले, जिसका जिसका आया बुलावा वो है किस्मत वाले, बिना बुलाए जाने वाले, बिना बुलाए जाने, बिना बुलाए जाने वाले, भक्त निराले, बिना बुलाए जाने वाले, बिना बुलाए जाने वाले, वो है भक्त निराले, कि सबका एक ठिकाना जी, गुलाबा आए या ना आए, सबका एक ठिकाना जी।
ठिकाना जी, बुलावा आए या ना आए किसम का एक ठिकाना जी। लाख लाख भक्त सर भूल जाए, लाख लाख भक्त उसके शायद भूल जाए, लाख लाख भक्त उसके शायद भूल जाए, भक्त उसके शायद भूल जाए। लाख लाख भक्त उसके शायद भूल जाए, लाखों लाखों भक्त उसके शायद भूल जाए, लाखों लाखों भक्त उसके। गलती सबसे होती वो, गलती सबसे होती वो, गलती सबसे होती वो, जाके याद दिलाए हमें तो, हमें तो, हमें तो याद दिलाना जी, बुलावा आए या ना आए हमें तो याद। हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए या ना आए, हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए या ना आए, हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए, हमें वृंदावन जाना जी, बुलावा आए या ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हमें वृंदावन। जिन्हें जिन्हें जाना है वो प्रेम से गए, और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा इन्हें जल्दी बुला लो, इनकी आदतें खराब हो गई है, बस इधर की उधर कितनी भी करवा लो इनसे, बस घर नहीं छोड़ा जाता। अच्छा कितना मन लगता है, बहुत मन लगता है इधर उधर करने में। हमारी माताएं बोली सचिन महाराज जी, मन इतना लगता है कि बस सुबह से बैठ जाते, कब शाम हो गई पता नहीं चलता। कोई बात नहीं, बहुत मन लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्यों भाई। अगर कोई जाने अनजाने कुछ हो जाए तब मान ले, तो उसमें कौन सी बात है भाई। गलती से कोई पाप हो गया और कह दे कि हमसे हुआ है, अब क्या, अब हो गया तो हो गया, अब हो गया तो हो गया। पाप आपका, पुण्य आपका, सुख आपका, दुख आपका, हम आपके, आप हमारे, तो सब कुछ आप ही का तो है। अगर हो गया तो क्या हुआ, कुछ हो गया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस प्रभु से जाकर एक बार कह दो आप ही के तो है, कितने प्रेम से कहना, इतने प्रेम से कहना मेरे गोविंद से, इतने प्रेम से कहना कि बस
उससे रहा ना जाए। अच्छा कोई प्रेमी हो, हम हमेशा प्रेमी की बात करते हैं, क्यों? क्यों हनुमान जी भक्ति में मुझे जब दृष्टांत से देते हैं तो प्रेमी के विषय में बताते हैं ज्यादा, तो वही मैं आपको बताता हूं कि आपका कोई प्रेमी हो और उससे आप मुस्कुरा कर कह दें कि हम आपसे प्यार करते हैं। अब इतना कहना है, एक बात बताओ, अब एक हार्ड मास का पुतला है, उससे एक बार हमने थोड़ा मुस्कुरा कर कह दिया कि हम आपसे प्यार करते हैं, अब न दिन सोया न रात सोया, न दिन सोया न रात सोया, दिन बेचैन रहा, रात को नींद नहीं आई, खाना छूट गया, पानी छूट गया, कैसे? सिर्फ इतना कहना था कि हम आपसे प्यार करते हैं। अब सोचो, एक हार्ड मास के पुतले से जब हम इतनी बात कह देते हैं तो इतना कुछ छोड़ देता है, और जब यही बात हम मुस्कुराते हुए अपने उस परम पिता परमात्मा से, उस परम प्रेमी से कह दें, गुरु गोविंद से कह दें कि हम आपसे प्यार करते हैं, एक हार्ड मास का पुतला इतनी बात पर आपके आगे पीछे डोलता है, आगे पीछे डोलता है, अब विचार करो वो कितने चक्कर लगाएगा, भले आपको ना दिखाई दे, दिखाई ना दे मैं नहीं कह सकता, वो अपने ऊपर है। कुछ होते हैं जिन्हें मंदिर में जाकर भी भगवान नजर नहीं आते, जिन्हें मंदिर में जाकर भी भगवान नजर नहीं आते, और जिन पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है उन्हें रास्ते पर भी भगवान नजर आता है, उन्हें रास्ते पर भी प्रभु नजर आ जाते हैं। तो हमेशा प्रभु से कृपा की मांग करते रहो कि प्रभु कृपा करते रहो, कृपा करते रहो, सुना ना, कृपा की जो ना होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, अगर तुम्हारी आदत कृपा करने की ना होती तो कोई नहीं आता तुम्हारे आसपास। अरे आना तो बहुत दूर की बात है, कोई आसपास भटकता भी नहीं, कृपा की जो ना होती आदत तुम्हारी, भगवान की कृपा की आदत है, प्रभु की कृपा की आदत है। आइए कथा में चलते हैं, क्योंकि कथा छूट गई है। आज एक दिन की बात है, होता क्या, भक्ति करते करते, ध्यान से समझना, संक्षेप में सुनाऊंगा कुछ कथाएं आपको, भक्ति करते 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 क्या होता है, कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, भक्ति करते करते भक्ति का अभिमान हो जाता है, और कुछ लोग भी उसको उसका साथ देते हैं, कुछ लोग कहते हैं बात सही है, तूने ये बात कह दी ना बिल्कुल सही हो गई है, इसका मतलब तेरे अंदर भगवान है, तेरे अंदर भगवान की कृपा है, तेरे अंदर भगवान है, और धीरे 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 वो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है। और हम अक्सर अक्सर कहते हैं अरे भैया भगवान मत बनो, भगवान मत बनो, क्यों? क्योंकि हम तो भगवान के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं बन सकते, उनके चरणों की धूल की बराबर भी नहीं बन सकते, हम और आप एक छोटे से इंसान हैं, उस परमात्मा के हाथ के खिलौने हैं, खिलौने हैं, जब चाहे उस खिलौने को बिगाड़ देगा, एक साधारण से इंसान है, भगवान मत बनो, भगवान मत बनो, हम और आप एक साधारण से इंसान हैं। अरे भैया हम तो, हमें लगता है हम तो अभी तक एक ठीक से इंसान भी नहीं बन पाए, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, हम और आप अभी तक इंसान भी नहीं बन पाए, अरे इंसान बन गए होते तो कभी कभी आपने हमारे बुजुर्गों के समूह सुना होगा, सुना, जब कोई गलती हो जाती है ना, कोई अपराध हो जाता है, छोटी मोटी चूक हो जाती है, तो बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे शर्म कर, शर्म, इंसान बन जा,
गुजर के कहते शर्म कर शर्म इंसान बन जा। अब बोलो कहते कि नहीं बोलते, कहते ना। एक बात बताओ, इंसान को ही बार बार क्यों कहना पड़ता कि शर्म कर तू इंसान बन जा, शर्म कर तू इंसान बन जा, शर्म कर तू इंसान बन जा। इंसान को बार बार याद दिलाना पड़ता है, इसका मतलब वो अपनी पटरी से हट रहा है, अपनी लाइन से हट रहा है। कभी आपने किसी के मुंह से सुना, किसी हमारे बुजुर्ग ने कहा किसी गली के कुत्ता को, ए कुत्ता तू कुत्ता बन जा, ए भैंस तू भैंस बन जा, ए गैया तू गैया बन जा। कभी किसी को सुना, अरे भैया वो तो पहले से बने बनाए हैं, वो तो पहले से बने बनाए हैं। एक जो इंसान है इसे बार बार समझाना पड़ता, देख भाई तू इंसान बन जा, इंसान बन जा। क्यों? क्योंकि इंसान जब पशुओं जैसी हरकत करने लग जाता है तो उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है, इंसान बन बन इंसान बन इंसान। अच्छा, हम पशु जो ये पशु है ना बाहर वाले, हम इन पशुओं को घर क्यों ले आते, क्यों ले आते, कभी सोचा विचार किया क्यों क्यों लेके आते हैं पशुओं? इंसान के विचार और पशुओं के विचार जब थोड़े थोड़े मैच करने लग जाते हैं ना, मिलने लग जाते हैं, तो इंसान बाहर से एक पशु ले आता, अरे बहुत बढ़िया है, मैं जब जाता हूँ तो पूछ लाता, टिक 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 टिक, कितने सुंदर से पूछ हिलाता है, तो वो ले आता है घर के अंदर, घर के अंदर ले आता है, घर के अंदर ले आता है। पशु पशु, और पशु को कभी नहीं कहना पड़ता कि तू पशु बन जा, कभी नहीं कहना पड़ता। अब जब पशुओं की बात आई गई है तो बताया गया महाभारत पुराण के छठे खंड में कि मानव को होता ना आजकल, पहले के आप राजा महाराजा आप देखते होंगे, पहले के जो राजा महाराजा थे अपनी शान और शौकत में, ध्यान से समझना, शान और शौकत में, पहले के जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ जाते थे तो उनकी शान में क्या होता था, उनके घर के बाहर हाथी बैठा होता था, शान में लोग कहते हैं हाँ भैया उनके यहाँ हाथी पला हुआ होता ना, क्या पला हुआ, अरे उनकी शान में उनके दरवाजे पे हमेशा हाथी बैठा रहता है, हाथी, उनकी शान शौकत में घोड़े बैठे हुए कई सारे, कई सारे घोड़े। शान और शौकत को पहले हाथी और घोड़ों से दिखाया करते थे, और आज 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 बोलो 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 आज आज के घर के अंदर तो कुत्ते बैठे होते हैं, बाहर नेम प्लेट लगी होती है कुत्ता से सावधान। पहले घर के बाद नेम प्लेट लगती थी, ठाकुर फलाने फलाने सिंह, ऐसे ऐसे करके नाम लिखा रहता था बाहर। अब बिल्कुल, अरे ठीक है कुत्ता तूने पाल लिया, अरे साइड में कहीं बोर्ड लगा दो, ये तो बस नहीं चलता, वो अपने ही आगे टांग ले, बिल्कुल दरवाजे के बीच 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 टंगा होगा, कुत्ता से सावधान, सावधान कुत्ता से सावधान। पहले सवेरे सवेरे के वक्त में बाहर जब निकलते थे तो हाथी घोड़ा पे बैठकर निकलते थे, अब एक हाथ में कुत्ता होगा, खुद पीछे पीछे होंगे, है कुत्ता आगे आगे होगा, अब बेचारा वो कुत्ता जहाँ लेके जाएगा वहीं जाएगा, है जहाँ कुत्ता लेके जाएगा वहीं लेके जाएगा। अब कुत्ता आज तक किसी को अच्छी जगह लेके गया है? कुत्ता कभी किसी को ठीक सी जगह लेकर गया? कभी कोई कुत्ता मंदिर लेके गया? अब किसी का कुत्ता हो ऐसा तो बताओ भाई, किसी का कुत्ता सवेरे सवेरे जगता हो अपने मालिक
के आगे आगे हो जाए। अब पगही हाथ में, कुत्ता महाराज आगे आगे, अब दौड़ के मंदिर के अंदर घुस गया। अब पीछे से उसके सारे से मालिक भी लेकर गया, नहीं गया। भाई कुत्ते का जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव का मारा है, बस अपना स्वभाव थोड़ा थोड़ा अपने पीछे वाले को देता रहता है। अब ठीक है, कुत्ते को रखना है। पुराण के अनुसार मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि महाभारत के छठे खंड में दिया हुआ है कि कुत्ता घर के बाहर रहे तो ही ठीक है। हालांकि मैं इस विषय पर नहीं बोलना था लेकिन फिर भी अब बोल देता हूं, कुत्ता घर के बाहर रहे तो ठीक है। बोला अगर घर के अंदर रहे तो, घर के अंदर रहे तो आप कितने भी इंजेक्शन लगवा लेना, रेबीज नाम का कीटाणु बना ही रहेगा। दूसरी बात, आप कितना भी पुण्यकर्म कर लेना, कितना भी पुण्यकर्म कर लेना, कुत्ते ने आपको स्पर्श कर दिया या आपने कुत्ते को स्पर्श कर दिया, उसी समय सारा पुण्य आपका समाप्त। नहीं विश्वास तो महाभारत के छठे खंड में पढ़ लेना, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आपको एक, अब कुछ कहते हैं महाराज कुत्ता हमने रखा है, कुत्ता रखा है कि चोर ना आ जाए इसलिए कुत्ता पाल रखा है। कुत्ते को रोटी दो, देनी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ता का अधिकार होता है, दो, मगर घर में पाल के मत दो। गली में भी तो कुत्ते रहते हैं, उन सब कुत्तों को डेली बुलाओ, एक एक टुकड़ा दो। अभी तुम एक कुत्ता के चक्कर में हो, थोड़ी थोड़ी एक एक टुकड़ा रोटी दो और थोड़ा सा मीठा लगा के दे देना, दो चार पांच दिन देना, देखना सारी गली के कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर 24 घंटे बैठे रहेंगे। इतनी अच्छी नौकरी तो एक चौकीदार भी नहीं करेगा जितनी अच्छी वो करेंगे। हम इसीलिए तो कुत्ता पालते हैं। लेकिन पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि इनको दूर रखो। क्यों? क्योंकि एक जगह कथा आती है, जब पांडव धरती छोड़कर स्वर्ग जाने लगे तो धर्मराज के साथ कुत्ता गया था। तो धर्मराज के साथ जब कुत्ता गया तो इंद्र ने कहा कि भैया ये नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कुत्ता, जब ये बात कही कुत्ता नहीं जा सकता, तब कुत्ता ने अपने आप वास्तविक रूप लिया। तो यहाँ विस्तार से दिया हुआ महाभारत पुराण के अंदर। तो आइए आगे चलते हैं कि एक बार पत्र आया पौंडिक राजा का कि महाराज भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान इस धरती का एक ही है, वो भी मैं। यहाँ जब पौंडिक राजा को ये अभिमान हुआ कि धरती का भगवान मैं हूँ, पौंडिक ने क्या किया, भगवान जैसा मुकुट बनवा लिया और गरुड़ ध्वज लगा ली, लकड़ी के दो हाथ लगवा लिए, दो तो थे ही, दो लकड़ी के हाथ लगवा लिए, लकड़ी का एक सुदर्शन चक्र ले लिया, अब अपने आप को भगवान। तो इधर मेरे गोविंद ने या भगवान कृष्ण ने युद्ध किया और युद्ध में पौंडिक राजा को समाप्त किया। धीरे धीरे समय बीता, जब धीरे धीरे समय बीता तो एक दिन की बात है। आइए सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं। सुदामा चरित्र, आखिर सुदामा चरित्र क्या है? सुदामा चरित्र हमें क्या सीख देता है, क्या शिक्षा देता है, क्या मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र होना चाहिए या फ्रेंड? अच्छा, मित्र और फ्रेंड में भी अंतर हो, पहले का, अच्छा पहले मित्र होते थे, फ्रेंड होता था, फ्रेंड होता था, जन्म से सारे पढ़े लिखे पैदा हुए थे ना। अच्छा पहले मित्र होते थे या फ्रेंड होते थे? मित्र होते थे, सहेली होती थी, सहेली जिसको सखी कहते थे, सखी, दोस्ती भी कहते थे। अब बात जब दोस्त की आती है तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। अब दोस्त लड़की है कि लड़का है,
यहाँ भी कंफ्यूजन आ जाती है। अब फ्रेंड में बात आई तो वो गर्ल है कि बॉय है क्या है, यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है। बात आई फ्रेंड और मित्र की, मित्र कैसा होना चाहिए, फ्रेंड मित्र, वो मित्र मित्र नहीं होता जो तुम्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर लगा दे। आपको संक्षेप में बताएं कि सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें संसार के झंझटों से हटाकर भगवान के चरणों में अटका दे, वही सच्चा मित्र है। उसे सच्चा कभी मत समझना। किसे आप कहोगी क्या, आप कहो जी मंदिर चलना मंदिर चलना मंदिर चलना है, कथा हो रही है चलना है चलना चलना है। अरे चले जाएंगे कथा कहाँ, यहाँ से भी तो कथा सुनाई दे रही है, आवाज़ आ तो रही है, जरूरी है वहीं बैठ के नीचे बैठ के सुनना जाके।